गाइस, आज की डेट में भारत के अंदर अगर हम लोग कोई भी कार परचेज करें, आइदर इट्स अ एसयूवी और अ सेडान और अ हैचबैक, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिस्ट डाउन करते हैं सारे फीचर्स के लिए, क्या क्या अपने को फीचर्स चाहिए, वेदर आपको ABS मिलना चाहिए, EBD मिलना चाहिए, हाँ, रियर पार्किंग सेंसर मिलना चाहिए, एयर बैग मिलना चाहिए, सारा कुछ हम लोग ध्यान रखते हैं। बट हम लोग सेफ्टी का ध्यान अभी भी थोड़ा सा कम रखते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, एंड अपने को कम प्राइस में एक स्टाइलिश गाड़ी मिल रही है कि नहीं। तो अभी मैंने कल ही फेसबुक पे अपने एक बंदे के यहाँ पे देखा, उसने पोस्ट डाली हुई है, तो उसने दिखाया हुआ है हुंडई क्रेटा का एक्सीडेंट। ऑल न्यू हुंडई क्रेटा मॉडल है ये, एंड एक्सीडेंट कैसे क्या हुआ इस बारे में कुछ उन्होंने डाला नहीं था। उन्होंने बस ये लिखा था कि हाँ, बिल्ड क्वालिटी ऑफ सो कॉल्ड इंटरनेशनल ब्रांड। तो आप इस वीडियो में देख पा रहे हो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी क्या है। अब हमारे यहाँ पे हम लोग बात करें सेफ्टी रेटिंग देने वाली एजेंसीज़ की, तो भारतवर्ष के अंदर हमारे पास है यहाँ पे आपका GNCAP, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल NCAP। बेसिकली होता क्या है, किसी भी गाड़ी की अगर GNCAP रेटिंग आ गई ना, हम लोग सोशल मीडिया पे आपस में डिबेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार उसकी GNCAP रेटिंग बहुत ख़राब है, इसकी अच्छी है। और अगर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे आप, तो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपका ज्ञान चेक करने की कोशिश करेंगे कि तुमको पता भी है GNCAP होता क्या है, और अगर रेटिंग ख़राब है, भले ही वो थर्ड पार्टी कंपनी ने किया हो GNCAP, तो तुम्हें कैसे पता कि वो कंपनी पार्शियल है, किसी के फेवर में रेटिंग कर रही है। तो पहली चीज़ तो आपको मैं बताना चाहूँगा, भारत के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, उन्होंने बनाया था आपका भारत न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम, जो कि अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है, ये अपने डेडलाइन से पीछे चल रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड जब ये अपनी जगह पे आ जाएगा आपका भारत न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम, तो ये GNCAP वगैरह को कोई गिनेगा नहीं, है ना। अभी वो आया नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बनाया हुआ है प्रोग्राम गाड़ियों को सेफ्टी रेटिंग देने वाला, वो आया नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्टी कंपनी है, कंपनी भी नहीं है, एजेंसी भी नहीं है, चैरिटी है बेसिकली। तो हमारे पास है यहाँ पे भारत में GNCAP, जिसको हम बोलते हैं आपका ग्लोबल NCAP। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये आपका एक लंदन बेस्ड चैरिटी है, इनके ऑफिस हैं इंडिया के अंदर भी। अब ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये चैरिटी है, ठीक है, ये लोग अपने पैसे से गाड़ी परचेज करते हैं। इनका क्राइटेरिया ये होता है कि ये लोग हमेशा सेफ्टी रेटिंग देने के लिए बेस मॉडल परचेज करेंगे, किसी भी ब्रांड का बेस मॉडल परचेज किया कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर। इनकी अपनी खुद की लैब है जहाँ पर ये गाड़ियों का क्रैश टेस्ट करते हैं, उसके बेसिस पर ये रेटिंग देते हैं। तो जिसको मैं पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं पता, मैं ऐसा कोई ब्लेम नहीं लगा रहा GNCAP के ऊपर, बट मेरा ये मानना है कि आप या तो सारी गाड़ियों का करो, जो गाड़ियां भारत में आती हैं, है ना, उनका सेफ्टी टेस्ट करो और फिर रेटिंग दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किया सेल्टोस को 3 स्टार रेटिंग दे दोगे, आप हुंडई क्रेटा का टेस्ट नहीं करोगे, आप MG हेक्टर का टेस्ट नहीं करोगे, आप टाटा हैरियर को कर लोगे। तो या तो आप सारी गाड़ियों का करो, ताकि लोगों को एक ट्रांसपेरेंट व्यू मिले, आइडिया मिले कि कौन सी गाड़ी की कितनी सेफ्टी रेटिंग है, उसके बेसिस पे लोग गाड़ी परचेज करने का अपना डिसीजन बनाएं। आज की डेट में पैसे सबके पास हैं, लोग चाहते हैं सेफर गाड़ियां उनको भारत में मिलें, बट सेफर गाड़ियां कैसे मिलेंगी, आपने कुछ गाड़ियों को रेटिंग दे रखी है, कुछ को नहीं दे रखी, जो कि मेरे को पर्सनली गलत लगता है। क्योंकि यहां पे अभी भारत के अंदर हमारे भारत न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम नहीं आया है, उसका फ़ायदा GNCAP को मिल रहा है। उन्होंने बोल दिया ये गाड़ी ख़राब है, तो लोग मान लेते हैं वो गाड़ी ख़राब है। बींग अ किया सेल्टोस ओनर, मेरे पास भी किया सेल्टोस है, 3 स्टार इन्होंने रेटिंग दी, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बिकॉज पर्सनली मैं 1.5 साल से गाड़ी को चला रहा हूँ, मेरे को गाड़ी की सेफ्टी सोसो लगी, मैं खुश हूँ उससे। एक दो बार माइनर एक्सीडेंट भी हुए, मुझे बिल्ड क्वालिटी सही लगी। अब जब GNCAP की रेटिंग आई, थोड़ा सा मन खराब हुआ, मैंने ऑनलाइन सर्च किया और मैंने पाया कि यार इसको कुछ ज़्यादा तूल देने की अपने को ज़रूरत नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी सेफ्टी कंडीशंस बनाए हुए हैं गाड़ियों को लॉन्च करने के लिए भारत में BS6 नॉर्म्स के अंतर्गत, वो सारा किया फॉलो करता है। एंड मुझे पर्सनली भी गाड़ी मजबूत लगी। अब सेफ्टी रेटिंग GNCAP ने किया को तो दे दी, बाकी ब्रांड को दी नहीं, हैरियर को नहीं दी है अभी तक, एंड इन्होंने उसको भी नहीं दिया आपके MG हेक्टर को, इन्होंने नहीं दिया है आपके नए वाले क्रेटा मॉडल को, तो ये कुछ ट्रांसपेरेंट लगता नहीं है घुमा फिरा के, है ना। अब आप ये जो वीडियो देख पा रहे हो, हम लोग इसके ऊपर आते हैं, बिकॉज आप सब वेट कर रहे होगे कि यार ये इसके बारे में बता नहीं रहा। कुछ दिन पहले एक फेसबुक पे बंदे ने इस वीडियो को अपलोड किया है, मैं सारा क्रेडिट उनको दूंगा, ये वीडियो मैंने कोई नहीं बनाया हुआ, ऑल क्रेडिट गोज टू कवदी चंदा जी ऑन फेसबुक। कवदी चंदा नाम है इनका, आई एम सॉरी अगर मैं नाम सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, बिकॉज मेरी कोई बात हुई नहीं है। उन्होंने इस वीडियो को अपलोड किया है, आप देख पा रहे हो वीडियो के अंदर ये हुंडई क्रेटा है, एंड इसका रियर एक्सेल
जो है वो अपनी जगह से गायब हो चुका है। रियर एक्सल आपको मिलेगा आगे पड़ा हुआ गाड़ी के, ठीक है। गाड़ी आई थिंक गड्ढे में कुछ कूदी वगैरह है एंड पीछे का पहिया जो है वो गायब हो गया। तो अभी आप ओवरऑल अगर सेल्स कंपेयर करोगे ना, आप किया सेल्टोस की, हुंडई क्रेटा की एंड जो भी कंपटीशन में भी सेगमेंट के अंदर गाड़ियाँ आती है आपकी, रेनो डस्टर हो गई जैसे कि, तो आप पाओगे कि हुंडई क्रेटा बहुत अच्छा सेल कर रही है। लोग बोलते हैं यार किया सेल्टोस नहीं लूँगा, उसकी रेटिंग बेकार सी है, मैं हुंडई क्रेटा ले लेता हूँ। तो हुंडई क्रेटा की पहली चीज़ तो अभी तक देखो जीएनकैप रेटिंग आई नहीं, अगर आप जीएनकैप पे भरोसा करते हो तो, और अगर आ भी जाती तो मुझे लगता नहीं कि बहुत अच्छा कुछ वो परफॉर्म करने वाली है। मैं कुछ हुंडई का दुश्मन नहीं हूँ, ना मैं किया का बहुत बड़ा फैन हूँ, बट मेरे को बस ये लगा कि यार सेफ्टी रेटिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ काम करना चाहिए ताकि लोगों को एटलीस्ट ट्रांसपेरेंट तरीके से पता चले कौन सी गाड़ी की कितनी रेटिंग है, फिर मैं डिसाइड करूँगा। अभी इसकी रेटिंग आई नहीं थी, एक्सीडेंट देख के आप खुद अनुमान लगाओ कि किस तरह एक्सीडेंट हुआ होगा और कहाँ पे इसने कुदाई क्या हुआ। एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, इन्होंने गाड़ी को कुदाया हुआ है गड्ढे के अंदर, जो देख के लग रहा है, बिकॉज शीशे वगैरह अपनी जगह पे समूचे लगे हुए हैं, गाड़ी धंसी हुई है गड्ढे के अंदर। तो यानी कि एक हाई स्पीड में इन्होंने इसको गाड़ी को कुदा दिया है गड्ढे में एंड पीछे वाला जो पहिया है आपका वो भाग के आगे जाके पड़ा हुआ है। ऑल न्यू हुंडई क्रेटा है जैसा कि आप देख पा रहे हो, नंबर प्लेट भी इस पर अभी परमानेंट वाली आपकी लगी नहीं थी। तो अब है क्या कि बीइंग इंडियन सिटीजन हमारे हाथ में पावर बहुत होती है, पावर इन द सेंस हम लोग सोशल मीडिया वगैरह पे हाईलाइट कर सकते हैं, गवर्नमेंट के कान में जाएगा थोड़ा सा, क्या पता वो और जल्दी काम करें। इन्होंने एजेंसी बनाई हुई है ऑलरेडी, भारत न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम जो कि जिस पे काम कर रही है, उनको चाहिए कि वो उसको जल्दी से अपनी जगह पे प्लेस करें, इफेक्टिव तरीके से लॉन्च करें ताकि एक भारत में इंडिपेंडेंट एजेंसी हो जाए एंड हम लोग एटलीस्ट डिसाइड कर पाएं किस गाड़ी की क्या रेटिंग चल रही है, कौन सी हमारे लिए सेफर है कौन सी नहीं है। मीनवाइल अगर आपका कोई नई गाड़ी लेने का प्लान है तो मेरा पर्सनल आप सभी से हाथ जोड़ के विनती यही है कि यार आप लोग देख लो, जब लिस्ट बनाते हो सेफ्टी वगैरह को लेकर के, फीचर्स को लेकर के, गाड़ी के लुक को लेकर के, कुछ बेसिक सेफ्टी फीचर्स का ध्यान रखो। जीएन कैप तो पार्शियली कर रहा है, किसी गाड़ी की रेटिंग देता है किसी की नहीं देता, और गवर्नमेंट एजेंसी अपनी जगह पे अभी भारत में है नहीं, बट एटलीस्ट आप ये देख लो किस गाड़ी में आपको कम प्राइस पे बेटर से बेटर सेफ्टी फीचर मिल रहे हैं, बिकॉज यार लाइफ एक ही बार मिली है, साथ में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप अकेले चलाओ या फैमिली मेम्बर साथ में हो, लाइफ सबकी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की मेरी है। तो आप लोग एटलीस्ट ये ध्यान रखो कि हाँ उसमें कम प्राइस पे अगर अपने को एयरबैग्स ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएँ, अपने को ABS EBD जैसे बेसिक फीचर्स मिल जाएँ, थोड़ा सा पैसा मैं और इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास एटलीस्ट रियर एंड फ्रंट में सेंसर हो गाड़ी के अंदर, है ना, हिल असिस्ट वगैरह का ऑप्शन हो, सही रहेगा। उन सब चीज़ों को ध्यान देके ही गाड़ी को अपने को लेना चाहिए। बाकी साउथ में कहीं पे ये एक्सीडेंट हुआ था, वीडियो दिखा के बोलने का इंटेंशन यही था कि हाँ अपने को ये सोचना कि यार एक गाड़ी की रेटिंग 3 है किया सेल्टोस की और एक की रेटिंग आई नहीं तो उसको लेके मैं बच जाऊँगा, उसकी सेफ्टी रेटिंग बहुत अच्छी होगी, तो ऐसा है नहीं, बिकॉज ये एक्सीडेंट देख करके पर्सनली मेरे को फील नहीं हो रहा। मैं था आपका होस्ट आलोक सिंह, वो सारे फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, यार से भाई लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, अगर आप नहीं करोगे तो डे टू डे बेसिस पे ऐसे ही कुछ आप ऑटोमोटिव के अपडेट्स मिस करते जाते हो एंड यू नेवर नो कब कौन सी अपडेट आपके काम आ जाए। अपना ध्यान रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।